दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती कर लोगों को राहत देने का काम किया है। सरकार ने पेट्रोल में 5 रुपए जबकि डीजल में 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, जिससे लोगों को त्योहारी सीजन में राहत मिली है। शिमला में आज पेट्रोल के दाम 101.65 रुपए है, जबकि पहले ये दाम 106 रुपए से भी ऊपर गए थे। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती करने पर लोगों ने आभार जताया है और दामों को और कम करने की मांग की है। तेल भरने पहुंचे गाड़ी चालकों ने बताया कि कीमतों में कमी होने से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अभी भी दाम बहुत ज्यादा है। बात कम हुआ है, मुझे तो लगता है फायदा हो रहा है। अभी आज देखो लाइन भी लगी है, लोग अपनी टंकियाँ फुल करवा रहे हैं गाड़ी की, हम भी इसी लाइन में लगे हैं, अभी तो फायदा तो है और हम लगता है आगे और भी कम होगा। जो है त्योहारों को देखते हुए किया हुआ सरकार ने, देखिए ये सरकार जो है गुंगी और बहरी हो गई थी। उपचुनाव जो पूरे देश में हुआ उसका मैं कहूँगा कि जोर का झटका जो है धीरे से लगा है, उसका सीधा असर आप देखिए कि हिमाचल की 4 सीटें, कर्नाटक की 1 सीट कांग्रेस ने जीती, राजस्थान में 2 सीटें कांग्रेस ने जीती, महाराष्ट्र में हमने सीट जीती है। तो ये हर जगह का जो एक लोगों का फैसला है वो इस देश की सरकार के खिलाफ है, और जिसका झटका जो है आपने कल रात को देख लिया। हिमाचल प्रदेश में 5 रुपए कम हुआ है और पेट्रोल 10 रुपए डीजल कम हुआ है। आप देखिए सरकार की चलाकी को देखिए, उत्तर प्रदेश में 12 रुपए कम करा है पेट्रोल, 12 रुपए डीजल, 12 रुपए। हिमाचल प्रदेश के साथ या दूसरे राज्यों के साथ ये अनदेखी क्यों की जा रही है? अगर आपने ये टैक्स कम करना है, ड्यूटी कम करनी है, तो पूरे एक यूनिफॉर्मिटी का माहौल होना चाहिए, पूरे देश में जो है एक पैमाना होना चाहिए। यह मत देखा जाना चाहिए कि भाई किस राज्य में आपके चुनाव आ रहा है। हिमाचल ने जोर का झटका दे दिया है जिसका असर जो है 2022 में दिखेगा। दिल्ली भी हिल गई है 2024 में भी इन चुनाव का, लोगों के इस जनमत का जो है आप उसका देखेंगे कि कैसा असर 2024 में भी होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो चुनाव सकती थी? हमने आपको पहले भी बताया 2014-15 में ड्यूटी जो है आपका एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए 11 रुपए हुआ करती थी, आज आप पेट्रोल पे देखिए 33 रुपए 32-33 रुपए हुआ है। तो ये पहले भी सरकार कम कर सकती थी, लेकिन ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके भी, ये चुनाव जो दूसरे राज्यों के आने वाले हैं, गुजरात के चुनाव आने हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, तो लोगों को ये राहत तो मिली है। मैं धन्यवादी हूँ प्रदेश की जनता का जिन्होंने कांग्रेस को जन समर्थन दिया, या देश की जनता ने जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इनका आईना दिखाया। महंगाई से जिस तरह से तर्स है और हम जूझ रहे हैं, कमर तोड़ दी गई है, तो पेट्रोल डीजल जो है हर चीजों पर असर करता है। तो ये जोर का झटका जो है मैंने पहले भी कहा धीरे से लगा है, असर आपको 2022 में हिमाचल में, 2024 में जरूर इसका दिल्ली में दिखेगा। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार जी, मैं सागर सिंह, सागर महादेव हार्डवेयर स्टोर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये दिवाली आपके परिवार और आपके सभी दोस्तों के लिए खुशियां लाए, धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, आर्यस अकेडमी की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये त्यौहार आप सब खुशियों से मनाएं, माँ लक्ष्मी आप सब पर कृपा बनाए रखें, धन्यवाद। नमस्कार, मैं रफीक मोहम्मद उर्फ संजू, उप प्रधान ग्राम पंचायत हरनोटा, मेरी तरफ से सभी गाँव वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को दीपावली, धनतेरस और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार जो है जो सभी देशवासियों के लिए बहुत सारी ढेर सारी खुशियां लेकर आए। वासियों को रोज पब्लिक स्कूल सोलियाली की तरफ से धनतेरस, दीपावली, भाई दूज एवं गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रधान राकेश कुमार, ग्राम पंचायत सोली, सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और गांववासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, और ये दीपावली सभी को खुशियां दे। मैं श्रवण सिंह पठानिया, अर्थ मूविंग कंपनी की तरफ से
समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां भगवान की कृपा से सभी को मिलें। मैं पंचायत सचिव जिनेंद्र सिंह समस्त देशवासियों को दीपावली की शुभकामना पर बधाई देता हूँ।